अभी हजारों में से कोई एक सोचता है कि बाबा कह रहे हैं तो मुझे करना है, बाबा वही कहेगा तो हम कर सकते हैं, वो नहीं कहेगा तो नहीं कर सकते। क्या आप अपने 5 साल के बच्चे को कहोगे जाके एक सुंदर सी साड़ी खरीद लाओ मेरे लिए, क्योंकि वो योग्य नहीं है। बाबा ने हमें कहा है इसका अर्थ है, वो जानता है हम ये काम कर सकते हैं। मैं एक महात्मा हूं, इसे स्वीकार करो। और जिस क्षण हमारा अंतर मन इसे स्वीकार कर लेगा, उसी क्षण हमारे अंदर महानताएं अभी प्रारंभ हो जाएगी। मैं थोड़ा सा क्लास रोक के कहना चाहता हूं, फोन बंद करने को नहीं, किसी को जाना हो उठ सकती है माताएं भाई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कहीं को जाना होता है, काम हो या कुछ और बात हो जा सकते हैं, बंदर में नहीं रखेंगे। यहाँ योग की शक्ति इन सब की आप तक पहुंचती जाएगी, मुफ्त में माल मिल जाएगा, जिसको जाना हो उठ सकते हैं तुरंत, नहीं जाएंगे। चलो आगे, अब हम स्वान की प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, जाओ जिसको जाना, फ्री हो जाने के लिए अब हम स्वान की बहुत सुंदर प्रैक्टिस करेंगे, स्वीकार करेंगे एक को और बाबा के मुख से सुनेंगे। याद रखेंगे, जिस संकल्प को हम बार बार करते हैं या स्वान के संकल्प को बड़े दिल से करते हैं, उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलने लगते हैं। आप अपने घर को शांति कुंड बनाना चाहती हैं, घर में बैठकर अभ्यास करो। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, किरणें फैल जाएंगी पूरे घर में, इसको रखने की जरूरत नहीं, इसको अंतो करने की भी जरूरत नहीं, आधा मिनट। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मेरे अंग अंग से पूरे घर में किरणें फैल रही हैं। सभी को घर घर को मंदिर बनाना है ना, पहले हमने संकल्प दिया, साधनाएं करनी होंगी, बहुत माल है इधर सिखा भी करना है, थोड़ा नहीं है, तरे सब जन्मों से न जाने क्या क्या भरा है, केवल पाप करने ही और बहुत गंदगी भरी है, गंदे विचार भरे हैं कईयों ने, वो आत्मा को सुखी नहीं होने देता। जिस मन में ईर्ष्या है, किसमें वैर भाव है, जिस मन में इनके और संकल्प उठते हैं, जिसके अंदर वासनाएं बहुत भरी हैं, उन्हें चैन नहीं होगा। इस बुद्धि में, ये बुद्धि हमारा पात्र है, हमें इसमें वरदान समाने हैं। कुछ बातें कुछ आत्माओं की बुद्धि से परे है, फिर भी मैं कह रहा हूं, आप में से कई बहुत अच्छी आत्माएं यहां रखी हैं। इस बुद्धि में हमें वरदान समाने हैं जो संसार का कल्याण करेंगे। बाबा ने बोल दिया, हम करेंगे प्रैक्टिस। तुम विघ्न विनाशक हो, एक दिन आएगा तुम्हें सारे संसार के विघ्नों को हरना होगा। एक भी आप में से कोई ये काम करने लगे, एक केवल वरदान चित्त में समान ले बाबा का, विघ्न विनाशक बन जाए, तो एक आत्मा ही पूरे कानपुर के विघ्नों को नष्ट करने में सक्षम होगी। ठीक है, जो संकल्प हम करेंगे उसकी तरंगे चारों ओर फैलेगी। याद रखिए, ध्यान से सुन लेंगे, अगर आपको ऐसा लगता है ज्ञान में आने के बाद परिवार वाले, पड़ोसी, समाज वाले, रिश्तेदार आपका सम्मान नहीं करते, वो तो के साथ होता ही है,
स्वान में रहो सम्मान परछाई की तरह पीछे आएगा। रिपीट करेंगे, स्वान में रहो तो आपको सोचना नहीं, आपको परेशान नहीं होना। लोग गाली देते हैं, हमारा विरोध करते हैं, ये अपना धर्म छोड़ के अपनी देवी को छोड़ के कहां से बाबा के पीछे चली गई। बहुत बुरा बुरा बोलते हैं लोग। सब आपको सच्चे दिल से सम्मान देंगे अगर सम्मान का अभ्यास करें। क्या रहेगा? स्वमान में रहने से अभिमान स्वतः ही नष्ट हो जाता है। स्वमान में रहने से बहुत बड़ी बड़ी बातें बाबा ने स्वमान के लिए कही हैं, जो बाद में आने वाले भाई बहन नहीं जानते। ध्यान से सुन ले, मैं दो चार रिपीट कर देता हूं। जो स्वमान की सेट सीट पर सेट हैं, उनका जिम्मेदार बाप है, और जो अपसेट हैं, उनके जिम्मेदार खुद हैं। बहुत पावरफुल बात है। स्वमान में रहो, आपकी जिम्मेदारी बाबा संभालेंगे, आपकी नहीं आपके परिवार की। दूसरा एक बहुत सुंदर भावना, जो स्वमान में स्थित हैं, ज्ञान सूर्य की किरणें उनकी छत्र छाया है। विनाश काल में बहुत काम है। स्वमान में रहो, ज्ञान सूर्य की किरणें इधर छत्र छाया बन जाएगी। गोली भी चल रही है, आपको लगेगी नहीं, मिसाइल भी पड़ गया है, आपको बहुत दूर गिरेगा। ये अनुभव होंगे विनाश काल। और सुन लो, बहुत सुंदर बात, अति सुंदर। जो स्वमान में रहते हैं, उन्हें स्वयं भगवान और प्रकृति दोनों सम्मान देते हैं। पहली बहन तो नोट कर दो, रोज पढ़ना, कब तक नहीं लिखा। जो स्वमान में रहते हैं, प्रकृति और भगवान दोनों उन्हें बोलो तूफान चलेगा, भयानक बारिश होगी, आप कहीं बाहर हैं, तुरंत रुक जाएगी, घर पहुंचो, धरती फट रही है, आप कहीं फंसे हैं, तुरंत सब नॉर्मल हो जाएगा, जाओ। आप कहीं अकेले हैं, टेररिस्ट डाकू लुटेरे आ गए, पांच बंदूक हाथों में है, आप सुहान में स्थित होके बाबा को बुलाओ, आ जाओ, सब बात जाएगी। आप देव दिखाई देंगी उन्हें कि ये तो वही है जिसकी हम मंदिर में पूजा करके आए हैं, अपनी बंदूक भी समर्पित कर जाएंगे, ये भी रख लो एक हाथ में, आठ हाथ है, एक खाली है, तलवार का युग नहीं, बंदूक ले होगा ये। अब हम स्वमान की एक सुंदर प्रैक्टिस करेंगे। और यह अभ्यास अब रोज एक बार कर लेना बस, फिर सारे दिन कोई भी एक स्वमान लेकर उसको याद करते रहना। अब हम चलेंगे सूक्ष्म लोक में, चले अपने को देखें आकाश के ऊपर, यहां चारों ओर सफेद प्रकाश है, ये फरिश्तों की दुनिया है, सामने खड़े हैं ब्रह्मा बाबा, दिव्य फरिश्ता,
उनके अंग अंग से बहुत तेजस्वी किरणें चारों ओर फैल रही है। उनके मस्तक में महाज्योति सर्वशक्तिमान चमक रहे हैं। और वरदान दिए बच्चे सदा सुखी भव। विजयी भव निर्विघ्न अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। उनके हाथ से बहुत सुखद किरणें मुझ में समाने बच्चे तुम साधारण नहीं हो, इस सृष्टि की महात्मा तुम्हारा जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है। मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो। मैंने तुम्हें वरदान दे दिया है, तुम विघ्न विनाशक हो। आगे चलकर तुम्हें सारे संसार को विघ्नों से मुक्त करना है। तुम विजय रतन हो। कल कल तुमने
तुम तो माला के ऐसे मन के हो जिन्हें स्मरण करते हुए भक्त भी समस्याओं से मुक्त हो रहे हैं। तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तुम्हारी किरणों से संसार से माया के गीता नष्ट हो जाते हैं। तुम पवित्रता की देवी हो, पवित्रता के फरिश्ते हो। तुम इस धरा पर पूर्वज हो, तुम्हें सबकी पालना करनी है। तो इस संपूर्ण प्रकृति के मालिक हो। ये प्रकृति तुम्हारी पवित्र वाइब्रेशंस की वैसे ही इंतजार करती है जैसे प्यासा मनुष्य पानी का। तुम इस धरा पर पद्मा पदम भाग्य शाली हो। तुम इस जहान के संगार हो, जहान के विश्व कल्याणकारी हो। तुम्हें ही संसार का उद्धार करना है, सबको भगवान से मिलाना है। यह अभ्यास कम से कम एक बार सबको करना है। पसंद है? क्लियर है? कुछ भी इसमें कठिनाई नहीं। तो ये ना सोचे समाधान में कैसे जाएं, फरिश्ता लग के जाए, आत्मा बन के जाए, ये सोचने की जरूरत नहीं। ध्यान से सुन ले इसका उत्तर। मैं आपको कहूं, आप यहाँ बैठे हैं, एक सेकंड में मधुबन में बाबा की कमरे में जाकर बैठो, बैठ जाएंगे बस, यही और कुछ नहीं। जहां हमारा मन चला जाएगा वहीं हमारा सूक्ष्म शरीर बन जाएगा। हमें ये बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं कि फरिश्ता कैसे बनूं, फिर कब जाऊं। कई लोग कहते हैं हम तो फरिश्ता बन नहीं पाते, इसलिए सूक्ष्म बदन में जाते नहीं, फरिश्ता तो बने होंगे हैं। मैं आपको कहूं यहां से सेकंड में उठ के अपने घर में अपनी बेड पर जाकर बैठ जाओ, कितनी देर लगेगी देखने लगेंगे ना उसको, मान ये मेरी बेड है। यहाँ बुद्धि नेत्र है हमारा, तीसरा नेत्र, उससे हम उस चीज को देखते हैं और मन में संकल्प करते वहां हमारा सूक्ष्म शरीर निर्मित हो गया। अब बहुत सुंदर बात आपके पास है, एक ही साथ उठ जाओ उठने वाले, सोच सोच के उठ रहे हैं कि वो भी जा रही है, मैं भी चलो, उठ जाओ एक साथ। फिर अच्छी तरह से दूसरी बात आपके सामने, बाबा हमारे विचारों को बहुत सुंदर और हमें सहज विधि बताते हैं अमृत वेले को कैसे सफल करो और
सवेरे सवेरे रोज अपने मन को कैसे चार्ज करो। समझते हैं चार्ज करना माता है, चेतन कर देना, जागृत कर देना उसे। मन में जो ठंडाई है, मन ही जो ठंडा है, सुस्त हो गया है, 4 बजे उठ रहे हैं, घड़ी लेके चार बजे, ठंड बहुत है, कल कर लेंगे जो क्या सो गए, ठंडा मन है, बाहर ठंडी नहीं है, सब कर देते हैं ये काम। सवेरे उठते ही सुंदर संकल्प करेंगे, उठेंगे भी मुस्कुराते हुए, सोएंगे भी मुस्कुराते हुए। क्या विचार है माताओं का, क्या विचार है? ठीक विचार है, अब सोएंगे परेशान होकर, उठेंगे बाबा को स्क्रैच करते हुए, ये फलानी हमें बहुत तंग करके इसको अपनी बात बुला दो। बाबा कहेगा नहीं, अब इसको यही रखना, तुम्हारे साथ तुम्हारे सर्व का पूरा कराना है। उठो, उठते ही आदत डाल लो, बाबा बोलो, बाबा गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। मन मुस्कुराने लगेगा, आंख खुले, खुलते ही प्रभु दर्शन, मंदिरों में नहीं, जहां वो है वहीं। मन मुस्कुराने लगेगा, सो तो बाबा को बाबा। अभी एक एक चीज और जोड़ देना है, उठे बाबा, और फिर देखेंगे कि बाबा का आशीर्वाद कहा मेरे से रहा है। गुड मॉर्निंग का उत्तर देगा ना, गुड मॉर्निंग कह के तो देता ही है, पर सिर पे आशीर्वाद कहा, साथ में दुआएं भी दे देगा, सुखी भव। सोएं बाबा गुड, ध्यान देना चाहेंगे बाबा गुड नाइट। गुड नाइट का मतलब ये है, जिसने इस अभिनय का निर्माण किया होगा, जिसने सोचा होगा, ऐसा संकल्प करके सोएं कि सारी नाइट गुड हो जाए, अच्छी होते नींद अच्छी आए। विदेशों में तो क्योंकि नींद की प्रॉब्लम ज्यादा है, तो वो जब एक दूसरे से रात को मिलते हैं ना, गुड नाइट तो कहते ही है, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं इंग्लिश में हैव ए नाइस स्लीप, अच्छी नींद करना आज, क्योंकि नींद की समस्या वहां ज्यादा है, गोली खा के ज्यादा लोग सोते हैं। भारत में तो उठने की समस्या ज्यादा है, नींद से सो तो आराम से उठे जाते हैं। तो रात को जब बाबा को गुड नाइट करें तो फिर क्या सीन देखेंगे? अरे माता उठ जाओ, माता सोच सोच उठो, चकिल 2 मिनट उठो, उसको उठना है, फिर पावरफुल योग करेंगे जरा माता के जाने के बाद। माता बहुत धीमी गति से उठ रही है, उठो उठो उठो, फटाफट उठो, उठ जाओ, थोड़ा खुला खुला हो जाएंगे, फिर योग करेंगे। गुड नाइट की बाबा को, फिर देखना सीन ऊपर सूक्ष्म लोक में। हाँ मेरी ओर देखो कि सोते हैं, सूक्ष्म लोक में देखना गुड नाइट बाबा। तब बाबा ने दृष्टि दी और मुस्कुराट कर मुझे गले से लगाया। ये होगी हंसते हुए सो जाओ, उठते उठेंगे भी मुस्कुराते हुए, सोएंगे भी मुस्कुराते हुए, आपको लगेगा जीवन मुस्कुराने लगा है, भाग्य मुस्कुराने लगा है। ये दो काम सबको करना है, इसलिए टीवी देखते हुए नहीं सोना है, उठते ही अखबार नहीं पढ़ना है। उठते ही जो अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, वो जीवन की सबसे बड़ी गलती करते हैं। उठते ही क्यों? जब हम आंख खोलते हैं तो हमारा अंतर मन जगा होता है। क्या जगा होता है? इंग्लिश में इसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, चित्त कहते हैं संस्कृत में, चित्त। इसकी बहुत चर्चा है शास्त्रों में,
इसमें बहुत शक्ति है। जब हम उठे हमारा अंतर्मन पहले 10 मिनट जगा हुआ है, हमने अखबार पढ़ा, अखबार में पहले पेज पे अच्छे न्यूज होंगे या खराब? सबसे खराब पहले पेज पर होते हैं। कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई, इतने मरे, मिलिट्री पे अटैक कर दिया, 8 जवान मार दिए, ये तो समाचार है पहले पेज पे, अच्छे तो थोड़े अंदर होंगे। तो अंदर में अशांति चली गई, जिसका मनुष्य को पता नहीं चलता। किसी समाचार को पढ़ के अंदर टेंशन चली गई, किसी को पढ़ के चिंता चली गई, किसी को पढ़ के भय चला गया, ये रोज मनुष्य दुखी कर रहा है। फिर वो कहता है जीवन सुखी नहीं है। हम सभी बाबा के बच्चे रोज पहले 10 मिनट सुंदर विचारों में बिताएंगे। सुंदर विचार, योग भी छोड़, सुंदर विचार कैसे? उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग की, फिर सच्चे मन से कहना, हाथ ऊपर कर सको तो ऊपर करना, अभी नहीं सदे सदे। अगर आपके घर में ऐसा मौका हो, अगर ना हो तो मत करना, कोई अकेले रहते हो तो डांस करना। कैसे? बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बार बार शुक्रिया। खुल जाएगा आपका दिमाग, यहाँ नसें जो सिकुड़ गई है ना टेंशन से, चिंताओं से, सब खुल जाएगी। बाबा आपने मुझे दिया सबको, कुछ माताओं को तो नहीं दिया। सच्चे मन से आवाज करना, मांगने की जरूरत नहीं। बाबा मैं गरीब हूं, मुझे धन दो। बाबा कह मेरे पास नौकरी फैक्ट्री पर नहीं है। आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बार बार शुक्रिया। जादू देखना, इन जंगल को भी जादू है, ध्यान से सुन लेंगे। जो दूसरों को अच्छा ज्ञान देते हैं वो ध्यान से सुन लेंगे। जब आपने ये संकल्प किया, दूसरा संकल्प ले रहे हैं, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगी बात। मेरे जैसा भाग्यवान कोई, खुले मन से 5 बार कह देना, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। तो क्या होगा? ये तरंगे फैल जाएंगी पूरे ब्रह्मांड में। आकाश सुनेगा, चांद तारे सुनेंगे, प्रकृति सुनेगी, क्या आवाज सुनेगी? तो ये तरंगे फैलती और रिएक्शन होगा प्रकृति के और हमारी तरंगों के बीच में, और भाग्य को लेकर वापिस हमारे पास आ जाएंगे। समझ लिया सिद्धांत? न समझा हो तो दूसरी बात। तीसरा संकल्प करना, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत सुखी हूं। 5 बार अब ये तरंगे फैली चारों ओर, प्रकृति से इनका रिएक्शन हुआ। रिएक्शन समझते हैं? रिएक्शन माना प्रतिक्रिया होती है। जैसे आपने पानी में नमक मिला दिया, दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तो पानी कैसा हो गया? नमकीन। आपने नींबू निचोड़ दिया तो रिएक्शन हुआ, पानी हो गया खट्टा। तो रिएक्शन कहते हैं। तो हमारी ये तरंगे प्रकृति में गई, रिएक्शन हुआ, मिलन हुआ दोनों का, भूल गई दोनों, और सुखों की आपके ऊपर बरसात होने लगेगी। यही ठीक गलत संकल्पों में भी होगा। अब सारा दिन सोचते हैं, सवेरे से हम सोचते हैं, बहुत दुखी हूँ बाबा, मेरे दुख दूर करो, मैं बहुत दुखी हूँ। इसकी तरंगें भी फैल गई पूरे ब्रह्मांड में और आपके ऊपर दुखों की बरसात होने लगी। इसलिए अगर कोई दुखी है, परेशान है, चिंताओं में है,
उसका जिम्मेदार वो